स्टूडेंट, आवर टॉपिक दैट इज एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। इससे पहले हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, उन एग्जांपल के बेस पर हमारे पास ये एक्सरसाइज है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वहाँ पर एग्जांपल में, तो उसी बेस के ऊपर है। यहाँ पर तीन पार्ट है हमारे पास, तो तीन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज 135 या 225 का एस सी एफ फाइंड आउट करो आप। यू हैव टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो हेयर स्टार्ट कर रहे हैं हम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225. We use the Euclid's division lemma, means algorithm. What that state? अब वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके पास यदि डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर एज रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट रिमाइंडर दैट इज लेस देन डिवाइजर। सो इट्स ए डिवाइजर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने। ये आपके पास डिवाइजर है, इट्स ए रिमाइंडर। सो तो फॉर्म में हम लिख देते हैं यहां पर, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। सो जिसमें आर की जो आपके पास आर रिमाइंडर है। अब यहां पर टू सॉल्व दिस, सो फर्स्टली ऑब्जर्व विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, कौन सी ग्रेटर है आपके पास, 135 या 225। सो 135 या फिर 225 और 225 कौन सी ग्रेटर है? तो यहां पर आप देखेंगे तो सामने दिखाई दे रही है 225 दैट इज ग्रेटर देन 135। सो ये नोट कर लें, ये ग्रेटर है। अब ये हमारे पास क्या है, व्हाट इट दैट इज अ डिविडेंड, इट्स ए डिविडेंड एंड इट्स ए डिवाइजर। सो हमारे पास एक पहलू इसका आ चुका है, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर, डिवाइजर हमने ये लिख लिया, सो 135 और डिविडेंड हमारे पास आ गया 225। डिवाइड कर दें आप, अप्लाई करो आप लेमा प्रोसीजर जो है एल्गोरिथम। सो 135 देखिए किस टेबल में आता है ये, सो 135 वन था देन 135। अब माइनस करेंगे तो आपके पास ये जीरो और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, ये वन यहाँ से लें 90, इट्स ए रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर। अगेन अब यहां देखेंगे आप तो डिवाइजर जो दैट इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, सो अप्लाई करो इसको आप यहां पर ले आओ। तो ये आपके पास क्या है, एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, यूक्लिड ने दिया है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, ये 135 यहां स्किप हो गया ये, तो
135 डिविडेंड बन गया डिवाइजर से डिविडेंड। अब ये 90 है, कौन से टेबल में आएगा ये? सो 90 टू द 180 मीन्स 1, सो 90, तो ये सब्ट्रैक्ट करो 5 और ये 4, सो ये 45। व्हाट बी द 45? ये 45 जो है ये भी आपके पास क्या आया? रिमाइंडर आया। अब 90 जो है डिवाइजर है, ये ग्रेटर देन है 45, तो आप 90 को क्या करें, शिफ्ट करें, यहाँ पर स्किप कर दें। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कंटिन्यूस यू आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर जीरो। सो देखें कौन से स्टेप के ऊपर जीरो रिमाइंडर आता है, तो 90 यहाँ स्किप कर दिया हमने, ये आ गया आपके पास 90। अब टेबल देखें आप 45 टू द 90, तो यहाँ पर 90 आ गया। ओके, ये रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो, तो ये नोट करें आप, ये रिमाइंडर जीरो आ गया, इट्स ए रिमाइंडर। कौन सी वैल्यू के लिए रिमाइंडर जीरो आया? 45, जो कि आपके पास डिवाइजर था, इस के लिए आपके पास। तो दिस इज द एच सी एफ, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना कि एस सी एफ जो है ये है। जिस वैल्यू के लिए रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जिस डिवाइजर के लिए जीरो आ जाता है, तो आपके पास वो क्या है, एस सी एफ है टर्म। अब यहाँ पर हमें स्टेप क्या फॉलो करने पड़े, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है, इट्स ए फर्स्ट स्टेप, और ये हमारे पास, इसको नोट कर लिया मैंने, ये आपके पास क्या है, सेकेंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए रिमाइंडर जीरो आया, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लिख लें यहाँ पर। सो नाउ स्टेप वन व्हाट इट गिव, डिविडेंड, दिस इज अ डिविडेंड, सो डिविडेंड 225 इक्वल टू डिवाइजर 135 इनटू क्यूशेंट, इट्स ए क्यूशेंट, सो 1 प्लस रिमाइंडर 90, रिमाइंडर 90 मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप सेकंड स्टेप व्हाट इट स्टेट, सो 135 इक्वल टू डिवाइजर 90 क्यूशेंट, इट्स ए क्यूशेंट, 1 प्लस रिमाइंडर व्हाट, 45 मीन्स रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेप इस तरह से आपने लिखते जाना है, स्पेस को यूज करना है। नाउ स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप जो है आपके पास डिवाइजर डिविडेंड, दिस इज अ डिविडेंड, 90 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 45 इनटू इट्स ए क्यूशेंट 2 प्लस रिमाइंडर आर 0 मीन्स रिमाइंडर ऑन थर्ड स्टेप दैट इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स प्रोसेस और प्रोसीजर स्टॉप्स। सो जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा, दैट विल स्टॉप। सो प्रोसीजर जो भी स्टेप्स आए हमारे पास 1 2 3, सो स्टॉप्स। नाउ देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 135 225 दैट इज इक्वल टू 45, जो कि हमने जो एल्गोरिथम फॉलो किया था स्टेप एससीएफ निकालने के लिए, तो आपके पास ये 45 दैट इज आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड भी इसी तरह से होगा। सेकंड आप क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट बी द सेकंड क्वेश्चन 196 38220,
तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम, सेम प्रोसेस यही फॉलो करना है आपने। सो टू फाइंड द HCF ऑफ व्हाट बी द टर्म 196 एंड 38220, यह आपके पास टर्म है। सो इसका फाइंड आउट करना अपने HCF। सो किस तरह से क्या फॉलो करेंगे, वी यूज द और अप्लाई द यूक्लिड एल्गोरिथम। सो व्हाट दैट डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, एज जीरो इज लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। तो ये फॉर्मूला जो है इसीलिए लिखा जा रहा है कि आपके माइंड में आपने इसको याद रखना है, माइंड में रखना है। ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी कहते हैं हम डिविडेंड ए इफ देयर आर टू इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। सो आप इस तरह से ए और बी, तो अब यहां पर क्या करेंगे, टू विच वन, फर्स्टली आप चेक क्या करेंगे, फर्स्टली ऑब्जर्व करें विच वन इज ग्रेटर, लाइक 196 38220 कौन सी ग्रेटर है। तो सामने दिखाई दे रहा है दिस टर्म इज ग्रेटर, टर्म ग्रेटर है। सो आप यहां पर लिखें 38220 दैट इज ग्रेटर देन 196। सो 196, तो वही ये आपके पास डिविडेंड, इट्स ए डिविडेंड एंड इट्स ए डिवाइजर। प्रैक्टिस करें आप बार बार। सो डिवाइजर, नाउ अप्लाई दिस वन हेयर। सो डिवाइजर दैट इज 196 एंड डिविडेंड 38220। अब देखिए कौन सी टर्म के ऊपर है ये। सो 196 है तो 196 से ये 196 सो माइनस किया तो आपके पास क्या टर्म आ रही है, यहाँ पर देखेंगे ये 2 है, 1 यहाँ से लिया 126, यहाँ पर 7 है 9 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, यहाँ से 1 ले लो 17, सो 8, यहाँ 2 और यहाँ 186। बट अभी हमारे पास यहाँ पर और टर्म भी हैं देखो, सो आप ये 2 नीचे आ गया, फिर 1862 है। अभी क्या आपके पास यहाँ क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो आपके पास रिमाइंडर है दैट इज ग्रेटर देन डिवाइजर। देखिए आप 1862 दैट इज ग्रेटर देन 196। तो सेम प्रोसेस, वैसे सिंपल डिवीजन जो है उसमें चले आप 196, तो 196 कौन से टेबल में, ये 1862 आ जाएगा। तो 196 को आप डिवाइजर को 9 से देखें करके, 96 द 54 5, 99 द 81 81 5, 86 8, 91 द 9 9 8 17।
सो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई आपने करना है, ये आपके पास आ गया। माइनस करें तो 28, यहाँ पर आपके पास क्या टर्म आ रही है, 6 है, 5 यहाँ से आपके पास 1 आ गया, 15, सो 9, 7, 7, 0, 98। सो अगेन ये 0 भी है, इसको भी आप, ये आ गया आपके पास 0, अगेन 980, इट्स ए डिवाइजर इज 196, सॉरी मैं, तो ये 9 से गया था। अब 196 5 से देखो करके, सो 5 6 5 द 30, 9 5 द 45, 45 8, 9 5 1 द 5 4 9, ये मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 0, यू गॉट 0, तो ये आपके पास क्या आया, रिमाइंडर, इट्स ए रिमाइंडर एंड इट्स ए क्यूशेंट और इट्स ए डिवाइजर, इट्स ए डिवाइजर, सो इट्स ए डिविडेंड, ये डिविडेंड हमारे पास। अब आप देखें तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू के लिए रिमाइंडर जीरो आया, वो आपके पास 196 जो है डिवाइजर, उस से हमारे पास, उसी से हमारे पास जीरो आया, तो ये डिवाइजर, तो इट्स ए एच सी एफ, सो एच सी एफ। सो अब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो एक ही स्टेप इन्वॉल्व हुआ इसमें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप वाइज आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टेप वन, स्टेप वन क्या कहता है, डिविडेंड 38220 दैट इज इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू क्यूशेंट 196 प्लस रिमाइंडर 196 195 क्वेश्चन 195 और रिमाइंडर जीरो, मीन्स रिमाइंडर इज जीरो, सो रिमाइंडर जीरो है, सो आपके पास देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 दैट इज इक्वल टू 196। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान एससीएफ फाइंड आउट करने के लिए। सो ये हमें प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड आप देखेंगे, थर्ड एग्जांपल एक्सरसाइज का पार्ट थ्री ये आपके पास है, इसमें क्या कह रहा है, 867255। सो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, तो इसमें भी आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 255 एंड 867। वाई यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, कौन सा डिवीजन, यूक्लिड, तो ये ध्यान में रखना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड। सो ये हमारे पास है, इसमें क्या है आपके पास, सेम वही चीज क्या करेंगे आप, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर एज जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डिवाइजर।
So A is equal to B Q plus R. A is equal to B Q plus R. So now here firstly we check or we observe which one is greater. Two to five or 8, 6, 7. Which one is greater? So that is in 8, 6, 7. That is greater. Clearly, that is indicating 8, 6, 7 is greater than 2, 5. So 8, 6, 7. That term is greater than 2, 5. So here it's a dividend. It's a divisor. So follow the step division algorithm. So 2, 5, 8, 6, 7. 2, 5. So कौन सी टर्म से जाएगा ये? सो आप देखें 3 से करके 3, 5, 15, 3, 2, 6, 6, 3, 2, 6 और इट्स ए 7, 3, 2, 6. सो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 17, ये 7, 5, 2 और हेयर 6, 16. सो हेयर 7. सो व्हाट यू गॉट हेयर 3, 5, 15. सो व्हाट यू गॉट? Two, five. You can multiply by that. 3, 5, 15. 3, 2, 6. 6, 1, 7. 3, 2, 6. 6, 7, 5. 6, 7, 5. Okay. It's a 2, 5. Not a 2, 5. It's a 2, 5, 5. So यहां पर जो टर्म है दैट इज नॉट ए 2, 5, दैट इज 2, 5, 5. 2, 5, 5. तो ये ध्यान में रखना है आपने, टर्म जो है वो 2, 5 नहीं है, ये 2, 5, 5 है. So 5, 3, 15. 3, 5, 15. 3, 5, 15. 5, 3, 15. 15 or 1, 16. 3, 2, 6, 1, 7. So आपके पास क्या है, ये 2 आ गया, 0 और 1. अब आप चेक करें यहाँ पर 1, 0, 2, दैट इज द रिमाइंडर. इट्स ए रिमाइंडर और इट्स ए क्यूशेंट एंड इट्स ए डिवाइजर. सो डिवाइजर जो है दैट इज ग्रेटर देन रिमाइंडर. सो अप्लाई द एल्गोरिथम, यू शिफ्ट दिस वन हेयर और आपके पास अब क्या जाएगा 2, 2, 5. सो किससे जाएगा ये?
ये 102 है, 225 है, सो आपके पास ये 2 से 2 द 4, 20 द 0, 21 द 2, अब 1 और 2, सो 21, 21 इट्स ए रिमाइंडर, नो 21 इज द रिमाइंडर एंड इट्स अ डिवाइजर दैट बिकम डिविडेंड. Divisor that is greater than remainder. So here what you got, you place the divisor in terms of dividend. So dividend आ गया, ये हमारे पास dividend बन गया. So 21 कौन से table से जाएगा, ये किस से 21, it's a 225, not a 225, it's a 255. 255. So here so we follow the algorithm process. Here divisor 255 and dividend that is 867. So y 3 5 3 the 15, 3 5 the 15, 116, 3 2 the 6 7. So calculate it. So you got 102. Divisor, it's a divisor, it's a remainder. Divisor is greater than remainder and it's a quotient. So what you do? So you have to skip this one here. So divisor jo hai wo aapke paas ke ban jayega dividend. So 255. 255 अब कौन सी टर्म से जाएगा ये, तो 3 से करें तो ये तो 2 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा. 2 टू द 4, 0 एंड 21 द 2, कैलकुलेट करें 1 एंड 5, 51. सो 51 दैट इज रिमाइंडर, यू गॉट 51 रिमाइंडर. अब 102, इट्स ए 102, आपके पास डिवाइजर जो है ग्रेटर देन है आपके पास रिमाइंडर से, तो ये 102 आपके पास डिवाइजर जो है दैट वी स्किप इन द डिविडेंड. सो ये डिविडेंड की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर, और आपके पास क्या टर्म बनेगी, ये आपके पास देखिए 102, 51 कौन सी टर्म से, 2 से देखें, 21 द 2, 52 द 25 द 10, कौन सी वैल्यू के लिए जीरो आया ये 51 से, तो ये आपके पास ये रिमाइंडर आपके पास जीरो आ चुका है. किस चीज का कौन सी वैल्यू के लिए आया ये 51 के लिए, तो यही आपका HCF है, इट्स ए और SCF. सो बहुत ही आसान है ये SCF फाइंड आउट करना, थोड़ा सा आपको स्टेप जो है माइंड में रखना है. सो अब इसको देखो ड्राइव करने के लिए कितने स्टेप का यूज़ किया हमने, एक स्टेप ये आया आपके पास, सेकंड स्टेप ये आया आपके पास, थर्ड स्टेप आपके पास ये आया, तो तीन स्टेप के बाद आपके पास रिमाइंडर जीरो आ गया. तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं, नो स्टेप वन, स्टेप वन डिविडेंड 867 दैट इज इक्वल टू डिवाइजर 255 मल्टीप्लाई क्वेशेंट दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर 102. ये आपका फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आप देखें रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया, ये पहला स्टेप आपका. सेकेंड स्टेप आपका क्या कहता है, सेकेंड स्टेप 255, 255 आपके पास ये जो डिविडेंड है और डिवाइजर 102, क्वेशेंट 2 प्लस रिमाइंडर
1. So here again r is not equal to 0. अब आपके पास स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप आप यूज करें एल्गोरिथम जो स्टेप है वो आप वो डिवीजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड ने दिया था. सो स्टेप थर्ड जो है 102 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 51 क्यूशेंट, इट्स ए क्यूशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0. नाउ आर इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोसेस स्टॉप्स नहीं लिखना है तो आप प्रोसीजर स्टॉप. देयरफॉर हेंस HCF of 255 and 867 that is equal to 51. So ये हमारे पास एक HCF find out की हमने third part का. So third part जो हमारे पास ये है बहुत ही simple है. तो थोड़े से step आपने याद रखने हैं, जो यहाँ पर follow किया उन्हीं को आपने इसमें लिखना है. नेक्स्ट जो आप देखेंगे थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड सेकंड एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 1.1 के जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है. सेकंड क्वेश्चन, शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर क्यू इज एन सम इंटीजर. तो एग्जाम्पल जो आप सेकेंड थर्ड हमने की थी सेम उसी तरह से है. तो हम लेट वी सी यहाँ पर. सो यहाँ पर आप फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ए वी एन पॉजिटिव इंटीजर. सो वी सॉल्व इट बाई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ. अब आपके पास दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हिंट है ये. क्या क्या था आपके पास फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5. सो इस फॉर्म में आपके पास ये (6q+1, 6q+3, and 6q+5) इस फॉर्म में. तो वेयर क्यू इज ए सम इंटीजर इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. हियर आप इसको देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो वो क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर. ये आपके पास है. तो यहां पर देखें आप b जो है आपका, ये b जो आपका कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू आपको 6 दिखाई दे रहा है. यदि b आपको 6, तो हेयर आप यहीं से हिंट लिख सकते हैं. हेयर b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 है. बट यू नो कि वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है, तो आपके पास इसी फॉर्मेट से 0 इज लेस देन आर लेस देन 6. तो यदि आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो आप ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 और ये 6. यहां से पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, लेस देन है 6 से. इसका मतलब हमारे पास ये नंबर्स आएंगे आर की वैल्यू, आर जो है, आर जो है ये तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर. सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ
possible values of r equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ये हमारे पास possible value है. As division algorithm Euclid division algorithm, that is a dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So 0 less than b, r less than 6. So here a is equal to b q plus b q plus r. So a is equal to b, but b is 6, q plus r. So ये हमारे पास equation है. यहाँ पर आप r की value put करते जाएं. So when if r is equal to 0, so then a is equal to 6 q plus 0 and a is equal to 6 q. ये आपके पास टर्म आ चुकी है. और यदि आप अगेन स्पेस का भी ध्यान रखना है. If r is equal to 1, अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, r is equal to 1, then a is equal to 6 q plus r. So क्या पुट करेंगे आप, a is equal to 6 q plus r की जगह 1. In place of r, you have to put the value of r, that is 1. A second. Similarly, आप if r is equal to, when we लिख सकते हैं r is equal to 2, then a is equal to 6 q plus r. So r is a is equal to 6 q plus 2. If a r is equal to 3, then a is equal to 6 q plus r. So a is equal to 6 q plus, what with the r, r is 3, so we have to put the value of r, that is 3. Now if r is equal to 3, 4, then a is equal to 6 q plus r. So a is equal to 6 q plus 4. And if when we लिख सकते हैं आप r is equal to 5, इस condition के लिए then a is equal to 6 q plus r. So a is equal to 6 q plus 5. बस यहीं तक था. जो सारी if की जगह आप when भी put कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है. यदि आप when, इसकी जगह आप when भी लिख सकते हैं, when, यहाँ भी when भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें आप कि इस वैल्यू के लिए आपके पास ये वैल्यू क्या आई, आपके पास even, ये वैल्यू आपके पास क्या आई odd, ये वैल्यू इस वैल्यू के लिए odd, और इस वैल्यू के लिए आपके पास even.
और आपके पास ये जो आर इज इक्वल टू थ्री है इसके लिए आपके पास वैल्यू क्या रही है, और यहाँ पर फोर है तो इसके लिए वैल्यू क्या आई आपके पास, ए वन। और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके पास आर इज इक्वल टू फाइव के लिए आपके पास वैल्यू क्या रही है, ऑड। सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि नौ ऑड ऑड वैल्यूज आर या ऑड टर्म्स आर सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव। हैंस जो क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, फॉर एनी पॉजिटिव, हैंस फॉर एनी पॉजिटिव ऑड एंटीजर एंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू प्लस वन, टू क्यू प्लस थ्री, टू क्यू प्लस फाइव। ये हमारे पास एक दो ये इस फॉर्म में होगा, इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ। सो ये हमारे पास जैसे एग्जांपल थी, थोड़ा सा स्टेप जो है यहाँ ध्यान रखना है आपने, ये जो है यूक्लिड डिवीजन है एल्गोरिथम, ये जो है यहीं से आपको बी की जो बी है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वो स्टेटमेंट से मिल जाएगा आपको आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन आप चेक करें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड, इन ए परेड। सो परेड है, आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, 616 मेंबर्स हैं, उन्हें मार्च करना है, किसके पीछे, 32 मेंबर है आर्मी बैंड जो है, बैंड ग्रुप है, तो उनके पीछे जो है मार्च करना है, तो टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो दो ग्रुप जो उनको सेम कॉलम में मार्च करना है। ये बर्फी वाला एग्जांपल जैसे बर्फी और काजू बर्फी और बादाम बर्फी बिल्कुल सेम उस तरह से है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आया उस टाइम भी एग्जांपल में बताया था कि मैक्सिमम नंबर आपका आया तो हाईएस्ट कॉम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो आपने डायरेक्टली इसका क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे आर्मी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें आप देखेंगे तो टू टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ देखें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम टू फाइंड द
find the maximum number of column in which they can march. We find the HCF Y Euclid division lemma or algorithm. So हम algorithm क्या कहता है वो? वो कहता है कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder as 0 is less than equal to remainder less than divisor. B is the divisor means equation आपके पास क्या A is equal to BQ plus R. So here firstly हम क्या करेंगे firstly we observe the observe which one is greater कौन सी greater है either जो आपके पास कितने थे आपके पास 616 और 32 band group so हमारे पास 61 तो कौन सी greater है ये greater है ये greater तो here 616 that is greater than 32 so यहां पर ये आपके पास क्या है dividend और ये आपके पास क्या है divisor dividend divisor अब आप start करें तो ये मेरे पास डिवाइजर आ गया 32 और ये आपके पास 616 सो देखें किस टर्म से जाएगा 32 है हमारे पास तो ये सेम एक हमने क्वेश्चन पार्ट थ्री या पार्ट सेकंड किया था तो सेम देखें आप 32 टू द 64 सो 1 से जाएगा 32 यहाँ 9 आ गया और ये 1 था 11 5 2 21 फिर 2 6 आ गया 32 फिर आपके पास क्या है लेस देन इससे रिमाइंडर से ये रिमाइंडर आ गया आपके पास बट कि देखो किससे जाएगा 32 कौन सी टर्म से जाएगा ये तो 7 8 8 से करके देख लो 9 भी हमारे पास है 8 टू द 16 8 थ्री द 24 25 सो 9 भी हमारे पास में एक टर्म सो 9 से देखें आप सो 9 से क्या 9 टू द 18 9 थ्री द 27 28 सो ये आपके पास यहाँ 6 है 1 16 8 0 0 0 8 अब 32 है इट से डिवाइड यहाँ पर आपके पास अब यूज होगा ये देखिए एल्गोरिथम और आपके पास ये क्या है इट से रिमाइंडर और इसे क्वेशेंट अब 32 जो है आप इसको पिक करो और यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा ये तो आपके पास आगे 8 और यहाँ पर 32 कौन से टेबल में 8 फोर द 32 और आपके पास आ गया ये रिमाइंडर 0 रिमाइंडर क्या आ गया 0 सो 0 रिमाइंडर मीन्स किस वैल्यू के लिए आया आपके पास ये रिमाइंडर 0 8 तो ये 8 से एच सी एफ आपको 8 कॉलम जो है बनाने हैं सो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है ये आपके पास कौन सा स्टेप है सेकंड स्टेप अब स्टेप बाय स्टेप भी आप लिखें नाउ जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सीधा मैक्सिमम नंबर
उसको आपने थोड़ा सा स्टडी करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो नाउ 6-1 स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, 6-1-6 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज 8, सो आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर क्या आपका 8 है। अब आपके पास सेकेंड स्टेप क्या कहता है आपका, 32 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 8 4 प्लस रिमाइंडर 0, सो हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0 मीन्स देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 6-1-6-3-2 इक्वल टू 8, दैट इज 8। अब कॉलम क्या बनेंगे 8, तो आप डायरेक्टली लिख दें आप, सो कॉलम नीडेड फॉर द आर्मी मैच, सो हेयर हेंस सो 8 कॉलम नीडेड इन विच दे कैन मीन्स आर्मी बैंड, आर्मी जो कॉन्टिंजेंट है, इन विच दे कैन मार्च। सो ये हमारे पास कॉन्टिजेंट टुकड़ी जो है वो 8 कॉलम, तो हमारे पास जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कॉलम ऐसे ये कॉलम बनेंगे इस तरह से। सो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, दैट इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये हम कर चुके हैं 2q और 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर, तो यहाँ पर इंडिकेशन आपको क्या मिल रही है, ये 3 जो है b, सो आप इसमें डिवाइजर ले सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सो व्हाट इट स्टेट, सो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो 3m और 3m प्लस 1, सो हियर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए वी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वाई Euclid algorithm, तो वो क्या आपके पास a is equal to b cube plus r as 0 less than equal to r less than divisor b, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है आपके पास, एक तो 3m है और एक है
3m प्लस 1, ये जो 3m है, सो 3m जो है यहां पर, इसको यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, सो ये आपके पास b जो है ये क्या आ जाएगा 3, सो b 3 मीन्स हेयर b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या मीनिंग हुआ इसका, मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। यदि आप ड्रॉ करेंगे लाइन 0 1 2 इट्स ए 1 0 1 2 3, ये जो नंबर हैं दे आर लेस देन 3, सो 0 1 2 3 मीन्स सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर 0, 1, 2, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है आर की, एंड नाउ Euclid algorithm, that is a is equal to b q plus r, as r 0 less than equal to r less than 3. a is equal to b is what? 6, 3, b is 3. So b is 3. So here b is equal to 3q plus r. So when r is equal to, इससे पीछे हमने if use किया था, when r is equal to 0, then a is equal to 3q plus r, वैल्यू पुट करो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q, ओके। सो व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, सो देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, व्हाट r इज 1, ओके। व्हेन a r इज इक्वल टू 2, सेकंड वैल्यू आपके पास है ये जो है 2 वैल्यू ये, सो देन a इज इक्वल टू 3q plus r, a is equal to 3q plus r what? 2, so here this one, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास और कोई जीरो भी पुट हो चुकी है, 1 भी और 2 भी, कहां से ऑब्जर्व हुआ ये आपके पास 3 लेस देन 3, ये जो आपके पास b, सो b जो है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप कि r इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये टर्म क्या है 3q, ओके, और r इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या है 3q प्लस 1, और r इज इक्वल टू 2 है तो इट मीन्स 3q प्लस 2, सो ये हमारे पास टर्म्स आई है। यहां पर क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन कहता स्क्वायर ऑफ एनी, अब यहां पर एक दिक्कत है, ये देखिए हमने ये स्क्वायर जो है
square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर, तो आपको स्क्वेयर लेके चलना है कि यूज करना है यूक्लिड लेमा. स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो ए आपने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए जो है, जब आपने ए को पॉजिटिव इंटीजर माना, ए जो है पॉजिटिव इंटीजर, सो ए पॉजिटिव इंटीजर जो आपके पास है, स्क्वेयर इसका आप स्क्वेयर करेंगे तो किस फॉर्म में, पहले ये ए इज इन द फॉर्म ऑफ यहां पर ए इज इक्वल टू 3q आ चुका है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन, यहां पर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे आप, ए इज इक्वल टू 3q, सो ए स्क्वेयर इट्स ए फर्स्ट इट्स ए सेकेंड और इट्स ए थर्ड. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वेयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वेयर, सो स्क्वेयर जो आपके पास ऑन बोथ साइड ऑफ वन टू एंड थ्री, तीनों को आप स्क्वेयर कर दें तो आपके पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का स्क्वेयर, और दूसरा आपके पास है ए स्क्वेयर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वेयर, और थर्ड आपके पास है ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वेयर. अब ये आपके पास क्या आया टर्म, ए स्क्वेयर इक्वल टू 9q स्क्वेयर, जो कि आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इक्वल टू 3 × 3q स्क्वेयर. ये जो क्यू है ये आपका क्या है, कोई एंटीजर है ये, तो एंटीजर इट्स ए एंटीजर, क्यू गिवन है, ये क्यू इज एंटीजर से गिवन है आपके पास, तो एंटीजर को मल्टीप्लाई स्क्वेयर हुआ तो वो एंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई तो वो भी एंटीजर होगा, से एम एम मान लिया इसको, तो ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास 3m. ओके, यहां पर आप देखें चेक करें तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 9q स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर 1 स्क्वेयर, 1 आएगा प्लस 2ab, ए क्या है 3q, बी क्या है 1, सो 3 × 6 क्यू इंटू 1q, ये आ गया आपके पास. यहां पर आप देखेंगे तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 9, ये 9q, ये 6q, सो यहां से 6 है 9, तो 3 मैं कॉमन ले रहा हूं तो अंदर आ गया आपके पास क्यू स्क्वेयर 3q स्क्वेयर प्लस 2q एंड प्लस 1. सो ये जो क्यू है आपके पास, क्यू क्या है आपके पास, इंटीजर किताब में गिवन है, ये बुक में गिवन है, और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, मल्टीप्लाई भी इंटीजर होगा, तो से एम, इसको भी इंटीजर से एम, तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 × m + 1. सो ये आपके पास टर्म आ गई आपके पास सेकंड, ये आपके पास. से एम
अब नेक्स्ट जो आपके पास वो कौन सी है, ये वाली टर्म है थर्ड, क्योंकि तीन टर्म हमने फाइंड आउट की हैं, तो ये आपके पास स्पेस को यूज करना है हमें। तो ये आपके पास ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9q² प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab 3 to the 6 टू 12 क्यू। अब आपके पास 4 यहां पर 12q, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये 12, सो 3 कॉमन लिया आपने, तो आपके पास आ गया 3q² यहां पर 4 है, यहां से भी 3 हो सकता है, तो देखिए आप 9q² प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12q, ये 1 को आप सेपरेट कर दो, ये जो 1 है, बाकी ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3q, सो 3q² प्लस 1 प्लस 4q और प्लस 1, ये 1 मैं इंडिकेट कर रहा हूं कौन सा, ये वाला 1, ये आपके पास ये, बाकी ये टर्म जो हैं ये आपके पास ये और ये जो हैं ये आपके पास, और 3 कॉमन ले लिए यहां से। सो अब आपके पास क्या टर्म आई है, यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये जो आपका क्यू जो है, क्यू दैट इज इंटीजर गिवन इन स्टेटमेंट, क्यू इज इंटीजर, ये आप चेक करें तो 1 है, वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 4q पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर स्क्वायर करो या ऐड करो वो इंटीजर ही आएगा, से एम इट्स ए इंटीजर, तो यहाँ इंटीजर लिख देते हैं हम, इंटीजर इट्स ए इंटीजर से एम, तो आपके पास क्या टर्म आ गई, ये जो आपके पास क्या जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m plus 1। अब आप देखें यहां पर पहले में क्या है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर जो है ये है फर्स्ट आपका, इट्स ए फर्स्ट, फिर सेकंड और ये थर्ड, ये आपके पास, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 3m प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया है, तो ये आप लिख सकते हैं, सो हेंस स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इन फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1, फिर 3m प्लस 1, तो रिपीटेड नहीं लेनी है, तो ये आपके पास आ गया आंसर। सो ये था हमारे पास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे हमने इनको सेपरेट किया, फिर उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये हमने किया, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, व्हाट इट स्टेट, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब ये क्यूब है, सो इसके लिए भी आपको जो है यहां पर देखिए हिंट भी दिया हुआ था वर्चुअल, और साथ में यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर तो फाइंड आउट कर लिए, सिर्फ फर्क क्या है, आपने क्यूब लेना है, जहां पर मैंने स्क्वायर लिखा वहां पर आपने क्यूब करना है, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, यहां पर आप
क्या करेंगे, यहां क्यूब लेंगे आप, ये क्यूब लेंगे, ये जहां पर आपने स्केयर लिखा है ये आपके पास है, यहां क्या करेंगे आप क्यूब, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये क्यूब है यहां पर क्यूब करेंगे आप। सो लेट बी स्टार्ट, यहां पर आपके पास ए इज इक्वल टू 3 क्यूब आ गया है, ठीक है, मान लो बिल्कुल सेम वैसे करना है। सो टेकिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेकिंग क्यूब ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। सो आपके पास पहला आपके फर्स्ट आया था ए क्यू इज इक्वल टू 3 m³, सेकेंड आपके पास पार्ट है ए क्यू इज इक्वल टू 3 m प्लस 1 q, और थर्ड पार्ट जो है आपके पास है ए क्यू इक्वल टू 3 m प्लस, क्या था वो, 3 m प्लस 2 ये क्यू। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3 m और q, हाँ क्यू, यहाँ से क्यू, तो आप क्यू लिखना है, क्यू लिखें, एम लिखना है, एम लिखें, नथिंग टू वरी। सो एम, यदि आप एम लेते हैं तो एम लिख लो आप, ठीक है, क्यू ले लेते हैं हम, क्यूज इन इंटीजर, क्यू 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 एंटीजर, तो सो 3 q, अब आपके पास 3 3 9 और 27, सो ये आपके पास क्या आ गया, 27 q। यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू 27 q, 1 का क्यू 1 × 1 × 1 1 प्लस 3 ab, 3 ab, तो 3 3 9 q इंटू ए प्लस बी 3 q प्लस 1, सो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यू इज इक्वल टू 27 q प्लस 1 प्लस 9 q सो 9 q, 9 3 27, 9 3 27 ये देखो, और q स्क्वायर प्लस 9 q, सो ये आपके पास टर्म है 9 q। यहां पर आप ये 1 अकेला ही है, तो आप यहां से भी कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले सकते हैं। सो ए क्यू आपके पास क्या जाएगा, 9 यहां से कॉमन आ रहा है, और 9 कॉमन, तो 3 q q प्लस 9 3 27 q² प्लस q प्लस 1, ये 1 कौन सा है, ये 1 जो है, ये 1, ये 1, बाकी आपके पास ये कॉमन।
ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, एक तरह से क्यू क्या था, इंटीजर है। क्यू क्या है, इंटीजर। तो सम ऑफ द इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर से एम, तो आप क्या कह सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। और यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू इट्स 27 नॉट 27 27। सो हेयर 9 कॉमन और 3 क्यू क्यू, सो इट्स ए इंटीजर। इंटीजर से m, सो ए क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू m, m नाम दे दिया। तो आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड अलग अलग करना है तो अलग कर लें, इकट्ठा करना है इस तरह से तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया साथ में। नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, देखिए आप, ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू, सो ए क्यू 27 क्यू प्लस 8 2 to the 4 to the 8 प्लस 3ab 3 3 the 9 9 to the 18 क्यू इंटू ए प्लस बी 3q plus 2, सो हेयर 27 क्यू रेज टू पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 3 the 54 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर प्लस 18 2 the 36 क्यू। अब यहाँ पर आप देखें तो 54 36 8 है, 2 to the 4 to the 8, यहाँ पर 8 जो है वो सेपरेट रहने दो, तो 27 यहाँ से आप कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 27, ये आपके पास टर्म है, ये है और ये है, सो 9 आप कॉमन ले लें। सो यहाँ पर आप 9 कॉमन, सो 3 क्यू रेज टू पावर 3 प्लस 9 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, जो सेपरेट ये अलग रहेगी ये आपके पास, प्लस 8 जो प्रूव करना है आपको। सो ये ए क्यू आ गया आपके पास, ये थर्ड। अब यहां पर आप देखें ये क्यू जो है, ये जो आपके पास है ये टर्म, ये क्यू के आपके पास ये इंटीजर है, क्या है ये इंटीजर, तो सम ऑफ द इंटीजर रेज टू पावर इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर, सो से एम, सो ए क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू एम प्लस 8, सो ये आपके पास थर्ड आ गया। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ये थी कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, सो देयरफॉर यहां पर आप लिखेंगे, सो देयरफॉर हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, यही आपको प्रूव करना था। स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपके पास है फिफ्थ। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8,
सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज और उसकी एग्जांपल जो है, उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।